उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां गदरपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस के अपराध तथा अपराधियों पर कार्रवाई लगातार जारी। मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध कार्रवाई में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा थाना गदरपुर क्षेत्र से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें की बरामद एवं 2 साथी वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। SSP उधम सिंह नगर द्वारा पुलिस टीम हेतु ₹2,000 के इनाम की घोषणा की गई। उधम सिंह नगर पुलिस के अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त विक्की बजाज बस अड्डा कॉलोनी थाना गदरपुर का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है। जिले के कप्तान मंजूनाथ टीसी ने SI मुकेश मिश्रा और कांस्टेबल इरशाद उल्लाह का नाम मैन ऑफ द मंथ के लिए चिन्हित किए जाने की बात कही। देखे उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो चीफ सानूर अली की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में माननीय DGP महोदय और DIG महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। आज जो है हमारा गदरपुर थाना पुलिस टीम द्वारा प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए बेहतरीन कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक बाइक का चोरी का यह पीछा कर रहे थे और जिसमें मुकेश मिश्रा हमारा SO जसवीर चौहान और उसकी पूरी टीम एक बाइक की चोरी का पीछा करके लीड लेते लेते नेघाल बॉर्डर पर तक गए। बाकी तब जो है उनको पता चला कि ये तो गैंग बहुत बड़ा है, ये जो है कई बाइकों को ले जाकर नेपाल में अपने ठिकाने लगा रखे हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये लोग नेपाल की मतलब नंबर्स भी ले लेते हैं, इस पर नेपाल की रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी डालने वाले थे। तो वो गैंग के बारे में जानकारी हुआ तो उसको अच्छे से एक इंटेलिजेंस का ट्रैप बिछा के ठीक से उसको टाइप करके माल के सहित कुल मिला के वो दोनों चोरों को पकड़ा है और उनकी निशानदेही पे बॉर्डर से 11 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। साथियों इसको बोलते हैं प्रोफेशनल पुलिसिंग। 11 मोटरसाइकिल में 7 मोटरसाइकिल हमारा रुद्रपुर से चोरी गए हैं। हमारे रुद्रपुर में इनके ऊपर अपराध पंजीकृत है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अपराध है, ठीक है, चोरी का FIR रजिस्टर्ड है। इसी प्रकार ट्रांजिट कैंप की 3 चोरी का बाइक रिकवर हुआ है और 1 गदरपुर का। तो कुल मिला के यहाँ का उधम सिंह नगर की 11 चोरी का मोटरसाइकिल हमने बरामद किया है, विच इज़ ए वेरी गुड अचीवमेंट। साथ ही नेपाल में जाकर ठिकाने लगाने वाली एक स्पेशलाइज्ड गैंग का हमने पर्दाफाश किया है, तो वो भी बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इसमें फ्यूचर में क्या होगा, जो भी वहाँ पे नेपाल में ठिकाने लगाने में इनको मदद कर रहे थे उनको भी हम पंजीकृत करेंगे, हमें उनको चिन्हित करेंगे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। टीम को इतनी अच्छी प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मेरी तरफ से ₹2,000 का कैश रिवॉर्ड है। साथ ही CO और SP का ये जो नेतृत्व वाली काम है उनकी भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अभय और अनरा मारिया का बेहतर पुलिसिंग का एक नतीजा है ये कि इसी प्रकार आगे काम चलती रहेगी। थैंक यू। और साल में एक बार या 2-3 साल में क्या होता है, स्पेशली जो 50,000 से 80,000 या 90,000 का बीच का बजट्स होता है ना, बाइक्स जो स्टार्टिंग एंड का बाइक्स होता है, उनमें क्या होता है 3 साल में एक बार ना लॉक जो है ढीला हो जाता है। 3-3 साल के बाद जब वो ढीला हो जाता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आई वुड एडवाइस कि जो मेहनत से आप बाइक खरीदते हो तो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है और उसका हर चीज़ का सेंटर पीस है। एक मध्यम वर्ग की परिवार में बाइक बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप हल्के में लेते हो, केवल एक चाबी लगा के ऐसे हाथ में घुमाने से वो सेफ्टी नहीं होता। तो हर 3 साल में नए लॉक लगाना चाहिए, कंपनी द्वारा अधिकृत जो है लॉक बदलना चाहिए। ₹500 में ₹1,000 में आ जाता है लॉक। दूसरा, आई विल आस्क यू टू पुट व्हील लॉक्स। व्हील लॉक्स आता है सामने, वो बहुत आसान है, वो व्हील लॉक लगाने से बाइक उठ नहीं पाएगी, व्हील लॉक काटना भी मुश्किल होता है। सर ओवर उसके ऊपर MV एक्ट में जो धाराएं है उस पर जो जो कार्रवाई बन सकता है वो हम आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार करते रहते हैं।